राजकीय मृतक चिकित्सालय से जारी होने वाले जन्म प्रमाण पत्रों में कर्मचारियों की लापरवाही सामने आने लगी है। बच्चों के जन्म के समय सभी प्रकार के दस्तावेज अभिभावकों की ओर से दिए जाने के बाद भी त्रुटिपूर्ण जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसके कारण अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। त्रुटिपूर्ण जन्म प्रमाण पत्र के कारण होने वाली परेशानियों को लेकर साकेत नगर निवासी अभिभावक प्रवीण कुमार ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की है। पीएमओ से की गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि विगत दिनों अस्पताल में जन्मे उसके बेटे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए सभी प्रकार के दस्तावेज दिए गए थे, लेकिन वार्ड से डिस्चार्ज के दौरान स्टाफ सदस्यों ने उसे डुप्लीकेट प्रमाण पत्र दे दिया, जिसमें नंबर डुप्लीकेट डाले हुए थे। पीड़ित ने बताया कि जब वह उक्त प्रमाण पत्र को लेकर ईमित पर पहुंचा तो वहां पर नंबरों को डिफॉल्ट बताते हुए जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं हो सका। अब जब उन्हें अस्पताल पहुंचा और कर्मचारियों से शिकायत की तो उन्होंने त्रुटि को सुधारने में असमर्थता जताई है। पीड़ित प्रवीण कुमार ने पीएमओ को शिकायत में प्रमाण पत्र की त्रुटि को सुधार कर दूसरा प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। द्वारा एप्लीकेशन दिए जिसमें मेरे बच्चे का जन्म दिनांक 6/11/2020 को हुआ था, उनके द्वारा मेरे बच्चे को डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट दिया था। अब मेरे द्वारा सारे डॉक्यूमेंट वे मेरे मोबाइल नंबर देने के बावजूद भी वहाँ पर नंबर ऐड नहीं किए गए और वहाँ पर डिफॉल्ट नंबर डाले गए, जिससे आज मेरे कहीं पे जैसे ई मित्र गया, ई मित्र में मैं जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा डिफॉल्ट नंबर की वजह से। इसके लिए मैंने आज एप्लीकेशन दे दिए पीएमओ साहब को, और जो स्टाफ वाले हैं उनसे मैंने बात करी तो वो बोलते हैं कि भैया कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये तो कार्यवाही स्टाफ वाले की है, काम तो उनको करना पड़ेगा। आज मैं परेशान हूँ, मेरे से खूब लोग परेशान हो रहे बेचारे, उनके लिए कुछ कार्यवाही करो जो भी हो सकता है। वहाँ के कर्मचारी बोल रहे हैं कि मैंने बोला कि भाई साहब ये नंबर आप कुछ ना कुछ तो उसमें कर सकते हो, वो मना कर रहे हैं साहब के लिए, अब कुछ भी नहीं हो सकता।